थाने महानगर पालिका के मुमरा अतिक्रमण विभाग ने अवैध निर्माण कार्य को तोड़ने में नियम अधिनियम सारे कानून को ताक पर रखकर गरीब झोपड़पट्टी धारकों के घर मकान दुकानों पर बुलडोजर चलाकर हिटलर शाही का नमूना पेश किया है। शिलफाटा के मुमरा नई मुंबई हाईवे पर रास्ते से 100 मीटर की दूरी पर 60 वर्ष पूर्व से रहने वाले झोपड़पट्टी धारकों के साथ थाने मनपा ने अन्याय किया है। कल बिना कोई सूचना नोटिस दिए शिलफाटा के घर मकानों को जमीन दोष किया गया है। तोड़ो कार्रवाई करते समय उन्हें एक दिन का समय भी नहीं दिया गया। अनेक बीमार बूढ़े बच्चों को घर मकान से निकालकर मनपा अधिकारियों ने जंगल राज की तरह यहां पर कार्रवाई की है। घर की सामग्री पूरी तरह निस्तो नाबूद की गई है। इस बात की सूचना मिलते ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दत्तू गाय समुद्रे शिलफाटा के पीड़ितों के लिए थाने तहसीलदार मनपा प्रशासन से इन लोगों के पुनर्वासन की मांग करेंगे। मुमरा से चंद्रकांत मोटे की रिपोर्ट। 2 घंटे घर खाली करायचं खाली करत आहे मी मग आता मग तुमचं काय म्हणणं आहे? पोलीस अधिकाऱ्यांनी साहेबांना सांगतो तू बघत पण ना आमच्याकडे थाना महापालिका ने तोड़ा इसको विदाउट नोटिस तोड़ा और इसके लिए कोई भी गुंजाइश नहीं दिया कि हम सामान बाहर निकाल पाए यहाँ से। कहते हैं 100 फीट का 100 फीट का मार्किंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा एक साहब आता है बोलता है 15 फीट और तोड़ने का है हमको। 15 फीट वो भी तोड़ के जाता है। जो भी इन लोग ने कोई प्लान नहीं किया, कोई मार्किंग से नहीं चले, डायरेक्टली अपने मर्जी से तोड़ते जा रहे। आपका रोड से कितना फुट था? रोड से हमारा 100 फीट के बाद था, फिर भी हमारा तोड़ के गया। 30 साल का हो ज्यादा ना। बाबा साहेब आंबेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन तर्फे 30 साल पक्षा तर्फे ह्या गोर गरिबांना ज्या पद्धतीनं निष्कर्ष दर्जाची कारवाई केली असे मनोवादी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यास आम्ही भाग पाडल्याशिवाय राहणार नाही। कारण का ही गोरगरीब लोक जनता आमची रोडवर रस्त्यावर काम धंदा करून उदरनिर्वाह चालवत होती आणि त्यांची जी कारवाई होती ती 100 फुटाचा रस्ता होती कारवाई होती। त्याच्याही पाठीमागं जाऊन त्यांनी 25 ते 30 फुट कारवाई करून वाढवून त्यांनी घर पाठीमागचे घर पण तोडले। अशा अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि ह्यांच्यावर गुन्हे दाखल केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। आणि ह्या गोरगरीबाला पुनर्वसनमध्ये सरकारनी आणि हे जिल्हा अधिकारी व महानगरपालिकेने तात्काळ पुनर्वसनमध्ये व्यवस्था करून त्यांना तात्काळ राहण्याची व्यवस्था आता तात्पुरती व्यवस्था राहण्याची व्यवस्था केली पाहिजे।